हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास सेवन्थ का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 जो कि है अ टाइगर इन द हाउस। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर फाइंड्स अ टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग्स हिम होम। ए बिग ग्रैंडफादर हैं, अब उनको एक छोटा सा टाइगर का बच्चा मिलता है एक फॉरेस्ट के अंदर जिसको वो घर ले आते हैं। ग्रैंड मदर कॉल्स हिम तिमोथी एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड। अब जो उनकी वाइफ थी ग्रैंड मदर, वो उसका नाम क्या रखती है, तिमोथी, और उसको एक इंसान के बच्चे की तरह पालती है। तिमोथी इज़ प्लेफुल एंड नॉटी, वो खेलता है और नॉटी है, शरारते करता है। हिज कंपेनियंस आर टोटो द मंकी एंड अ पप्पी एंड अदर मेम्बर्स ऑफ द हाउस होल्ड। उसके फ्रेंड टोटो है जो एक मंकी है, एक पप्पी है, और बाकी सारे जो घर में रहने वाले लोग हैं। तिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाई ग्रैंड फादर इन द तेराई जंगल नियर धेरा। सो अब तिमोथी एक टाइगर का बच्चा जिसको ग्रैंड फादर ने कहाँ डिस्कवर करा, तेराई जंगल नियर धेरा, धेरा के अंदर। वन डे व्हेन ग्रैंड फादर वॉज स्ट्रोलिंग डाउन द फॉरेस्ट एट पाथ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग हाइडिंग अमंग द इंटीग्रेट रूट्स ऑफ अ बनियन ट्री। एक दिन जब ग्रैंड फादर फॉरेस्ट के रास्ते में इधर उधर जा रहे थे, अपने बाकी सारे जिन लोगों के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे उनसे थोड़ा सा दूर, वहाँ वो उनको एक टाइगर का छोटा सा बच्चा मिलता है जो कहाँ, एक बरगद के पेड़ के जो इतने उनकी रूट्स होती हैं, जो उनकी जड़ें वगैरह होती हैं, उसके पास इंटीग्रेट का मतलब तो उलझी हुई झाड़ियाँ वगैरह उन सब के अंदर बीच में ही पड़ा हुआ मिलता है। ग्रैंड फादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट हिम होम। ग्रैंड फादर उसको घर ले आते हैं। He had the distinction of being the only member of the party to have badged any game in her life. अब वो अकेला ही मेंबर था अपनी पूरी पार्टी का जिसने ऐसे किसी गेम में पार्ट लिया हो, और उसके बाद दूर की बात है कि वो जिंदा हो या मरा हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिन भी लोगों के साथ वो जा रहे थे वो उनमें से ग्रैंडफादर अकेले ही इतने डेयरिंग पर्सन थे कि उन्होंने एक ऐसा डिसीज़न लिया कि उन्होंने एक टाइगर को घर में लाने का सोचा। एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम तिमोथी बाई ग्रैंड मदर वॉज ब्रॉट अप इंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बोटल बाय आर कुक महमूद। ओके, सो स्टार्टिंग में क्या था, जो टाइगर का बच्चा था उसका नाम तिमोथी रखा गया, और उसको दूध सबसे पहले पिलाना शुरू करा गया। किससे, फीडिंग बोतल से, वो जो छोटे बच्चों की निपल वाली बोतल होती है उससे, उनके कुक के द्वारा जिसका नाम था महमूद। बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कोड लिवर ऑयल टू बी फॉलोड लेटर बाय मोर टेम्पटिंग डाइट्स ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स। सो जो मिल्क था और वो उसके लिए बहुत अच्छा था, इतना अच्छा कि वो और बड़ा हुआ और फिर उसका जो खाना था वो मटन बन गया। मटन मतलब लैम्ब, शीप वगैरह, उसका मीट, और कोड लिवर ऑयल, फिश का तेल। उसके बाद उसको और भी जैसे जैसे और बढ़ो उसकी और टेम्पटिंग डाइट्स, मतलब और भी अच्छी डाइट्स होने लगी, खाने की चीज़ें मिलेंगी उसको, जैसे कि पिजन और रैबिट्स। तिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद टू कंपेनियंस। अब उसके दो दोस्त भी थे, एक तो था टोटो द मंकी वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल, और वो इतना बोल्ड था कि वो उस टाइगर की टेल को पकड़ के उसको खींच सकता था। देन क्लाइंब अप टू द कर्टन्स एंड तिमोथी लॉस्ट हिज टेंपर। ऑफिस वो एकदम से अपने कर्टन्स पे, पर्दों पे चढ़ जाता कि तिमोथी को गुस्सा आ जाता। एंड अ स्मॉल मोंग्रेल पपी, और उसके पास एक छोटा सा मोंग्रेल पपी, मोंग्रेल एक ब्रीड है पपी की, फाउंड ऑन द रोड बाय द ग्रैंडफादर, और वो पपी भी ग्रैंडफादर को एक रोड पे मिला था। At first तिमोथी appeared to be quite afraid of the puppy. Starting में तो जो तिमोथी था वो काफ़ी डरा हुआ था पपी से, उसको उससे डर लगता था। एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग एज इफ इट केम टू नियर, और वो जैसे ही वो उसके पास आता था स्प्रिंग की तरह उचक के पीछे चला जाता था, जैसे ही वो जो पपी था वो तिमोथी के पास आता था। ही विल मेक absurd dashes at it with his large forepaws, और उसके बाद वो अपने हाथों से ऐसे ऐसे करके इधर उधर, साहब ने दिखा नहीं कैसे जो बिल्लियाँ होती हैं वो अगर उनको कोई चीज़ अनजान लगती तो उसको बार बार वो ऐसे अपने हाथों के से बार खींच खींच के टच करते ना, अपने हाथों को हिला हिला के, उसी तरीके से वो हिलाता था अपने हाथों से, अपने पोस से, और उसके बाद वो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर डिस्टेंस में हो जाता था।
एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर उसके सेफ डिस्टेंस पर पहुँच जाता था. फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर. लेकिन उसके इतने डरने के बाद भी एक बार उसने अलाउ कर दे कि वो पप्पी उसकी पीठ पे चढ़ के आराम से वहाँ रेस्ट कर ले. वन ऑफ द तिमोथी'स फेवरेट अम्यूजमेंट वॉज टू स्टॉक एनी वन हु विल प्ले विद हिम. एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स. और तिमोथी की फेवरेट अम्यूजमेंट, मतलब उसकी हैबिट, मतलब उसका गेम ये था कि स्टॉक करना, मतलब पीछा करना किसी का भी जिसके साथ वो खेलना चाहता था या जो उसके साथ खेल सकता था. सो अब जो हमारे स्टोरी का नरेटर है, जब वो ग्रैंडफादर के साथ रहने आया तो वो उस तिमोथी का सबसे ज़्यादा फेवरेट बन गया था. विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज, और उसकी एकदम क्राफ्टिंग मतलब मज़ेदार आँखें, जो आँखें हमेशा ये देखते हैं, जैसे बच्चे होते ना, बच्चे जब खेलना चाहते कूदना चाहते जैसे उनकी आँखें हो जाती हैं, उनको क्राफ्टी आइज़ कहते हैं, उसी तरीके से और चमकती हुई आँखें. एंड इज बॉडी क्रॉचिंग, मतलब एकदम से बैठी हुई उसकी पूरी बॉडी एकदम जैसे डॉग्स बैठते हैं ना वैसे ही बैठे हुए. ही विल क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, वो धीरे धीरे करके मेरे पास आता, असेंडली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, और मेरे पैर के आसपास अपने हाथों से मतलब डैश मतलब निशान ऐसे बनाने शुरू कर देता. रोलिंग ओवर हिज बैक एंड किकिंग विद डिलाइट, और अपनी पीठ के द्वार ऐसे उल्टा रोल हो जाता और अपने पैरों को इधर उधर किक करने लगता. आई एम प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल, और ऐसी एक्टिंग करते जैसे वो मेरी एड़ी को मेरे पैर वगैरह को वैसे खाने की कोशिश कर रहा है. ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर, अब उसकी इतनी वो अब इस टाइम तक वो इतना बड़ा हो चुका था कि वो रिट्रीवर का मतलब होता है कैसा कि मतलब अपने आप को खुद लीड कर पाए, मतलब उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद चल सकता है. एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, जब मैं उसको बाहर घुमाने ले जाता था, पीपल ऑन दी रोड विल गिव अस अ वाइड बर्थ, और जो लोग थे वो एकदम से दूर दूर हट जाते थे एकदम सेफ रास्ते देने, क्यों, क्योंकि वही टाइगर था वो. व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन्स आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम, और जब अपनी वो चेन को खींचता था तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था उसको एक जगह पे रखना, उसको लीड करना. हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राॅइंग रूम, और उसकी फेवरेट जगह ड्राॅइंग रूम क्या थी पूरे घर में, ड्राॅइंग रूम. He will make himself comfortable on the long sofa, reclining there with a great dignity. और वहाँ आराम से वहाँ पे dignity के साथ लेट जाता था, relax करता. Dignity का मतलब self worthy होना कि मैं हूँ और ये मेरा अधिकार है, जैसे आपने देखा राजाओं की तरह वहाँ relax करके लेटता था. And snarling at anybody who tried to get him home, और वहाँ हर किसी के ऊपर ऐसे गुस्सा करता, आवाज़ निकालता जो भी उसको वहाँ उससे वहाँ से हटाने की कोशिश करता. तिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, उसकी हैबिट्स काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरी थी. एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट, और वो अपने चेहरे को अपने पॉज अपने हाथों की मदद से साफ करता जिस तरीके से बिल्ली करती है. ही स्लेप्ट एट नाइट इन कुक्स क्वार्टर, और वो जहाँ कुक्स रहता था वहाँ उसके रूम में रहता था, सोता था. एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बींग लेड आउट बाई हिम इन द मॉर्निंग, और उसको काफ़ी मज़ा आता था जब वो कुक उसको घर के अपने रूम के बाहर निकालता था सुबह. वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन अ प्रोफेटिक मैनर, वी आर गोइंग टू फाइंड तिमोथी सिटिंग ऑन महमूद बेड एंड नो साइन ऑफ कुक एक्सेप्ट हिज क्लोज एंड शूज. सो एक दिन उसकी जो ग्रैंड मदर वो मजाक करते हुए कहते हैं कि देखना एक दिन ऐसा आएगा जब हम देखेंगे कि तिमोथी महमूद के बेड पर बैठा हुआ है, और महमूद नहीं दिखेगा हमें, बस महमूद के जूते दिखेंगे और उसके कपड़े दिखेंगे. ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, बट तिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड, अ चेंज केम ओवर हिम. लेकिन हाँ, ऐसा कभी हुआ नहीं कि महमूद के हमें सिर्फ कपड़े ही दिखे एक दिन, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब जो तिमोथी था वो 6 महीने का, उसके पास कुछ चेंजेस आने लग गए. ही ग्रू स्टेडली लेस फ्रेंडली, वो काफ़ी ज़्यादा लेस फ्रेंडली हो गया था, वो इतने दोस्त नहीं बनाता था, वो हमसे ठीक से बात नहीं करता था. वेन आउट फॉर अ वॉक विद मी ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट और समन्स पेट डॉग, जब उसको मैं बाहर घुमाने ले जाता था तो वो ऐसा बाहर जितने कुत्ते बिल्ली होते थे उन पर अटैक करने की कोशिश करता था. समटाइम्स एट नाइट वी वुड हेयर फ्रेंजिड कैकलिंग फ्रॉम द पोट्रीज हाउस, एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द वरांडा, और कभी कभी रात को आवाज़ें आती थी फ्रेंजीड का मतलब है डरी हुई, कैकलिंग का मतलब होता है चिल्लाने की आवाज़ें. पोल्ट्री हाउस है, पोल्ट्री हाउस क्या होता है, जहाँ पे वो रखते हैं हम लोग डक्स रखते हैं, चिकन रखते हैं, मुर्गियाँ वगैरह जहाँ रखते हैं वहाँ पे.
और मॉर्निंग में हम क्या देखते हैं सुबह कि आसपास पंख पड़े हुए वरांडा में हर जगह। तिमोंथी हैड टू बी चेंड अप मोर ऑफन, अब तिमोंथी को अब ज़्यादा बांध के रखने लग गए थे। एंड फाइनली वेट ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विद वट लुक एंड विलनेस इंटेंट, ग्रैंड फादर डिसाइडेड इट वॉज टाइम ट्राइंग टू ट्रांसफर हिम टू दिस जू। लेकिन जब फाइनली जो वो तिमोंथी था वो महमूद को काफ़ी खतरनाक आँखों से देखने लग गया था और उसको पूरे दिन भर घर में इधर उधर फॉलो करता था, ग्रैंड फादर ने डिसाइड कर लिया कि अब टाइम आ गया कि हम उसको जू में भेज दें। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड तिमोंथी, नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम। ग्रैंड फादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज वर ओनली टू ग्लैंड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। अब अपने लिए और तिमोंथी के लिए एक कंपार्टमेंट रिसीव करना मतलब ट्रेन में बहुत मुश्किल था, लेकिन क्योंकि कोई ऐसा कंपार्टमेंट शेयर ही नहीं करना, कोई कौन का ट्रैवल करना चाहेगा एक टाइगर के साथ। लेकिन तो भी वो लखनऊ पहुंचते हैं ग्रैंडफादर, और उसके बाद जो ज़ू की अथॉरिटीज़ होती हैं वो बहुत खुश थी कि वो तिमोंथी का ख्याल रखें, क्योंकि तिमोंथी एक अच्छी तरीके से ग्रो करा हुआ पेट था, उसके पास मैनर्स थे, सिविलाइज्ड था, मतलब उसमें मैनर्स थे, वो जानता था कि उसको इंसान को नहीं खाना, बेकार की चीज़ें नहीं करनी, राइट, और उसको अच्छे से खा पिला के रखा हुआ था। अबाउट सिक्स मंथ्स लेटर व्हेन माय ग्रैंडफादर वन विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द ज़ू टू सी हाउ तिमोंथी वाज गेटिंग ऑन। और छः महीने बाद जब मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो लखनऊ में जाते हैं, जो ग्रैंडफादर है वो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और वो ज़ू को कॉल करते देखने के लिए कि तिमोंथी वहाँ कैसा है। आई वॉज नॉट देयर टू अकंपनी हिम बट आई हर्ड अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा, मैं उस टाइम पे ग्रैंडफादर के साथ नहीं था ये सब चीज़ देखने के लिए, लेकिन मैं जब वापस आया तो मुझे चीज़ों के बारे में पता चला। अराइविंग एट द ज़ू ग्रैंडफादर मेड अ स्ट्रेट फॉर दी पर्टिकुलर केज इन विच तिमोंथी हैड बीन इंटर्न्ड। तो जब वो वापस ज़ू में पहुँचे तो ग्रैंडफादर तुरंत ही वहाँ पहुँच गए जहाँ पे तिमोंथी को रखा गया था। तो टाइगर वॉज देयर, वहाँ पे टाइगर था, वो एक जगह कोने पे बैठा हुआ था, फुल ग्रोन विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट, और वो पूरी तरह से बड़ा हुआ हुआ था, और उसके ऊपर एक अच्छी सी, जैसे आपने देखा नहीं टाइगर्स की स्किन होती, वो लगी हुई थी, बाल बहुत सुंदर थे। हेलो तिमोंथी, सैड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और वो उसको तिमोंथी को बुलाता है और उसने जो पिंजरा होता है वहाँ पे अपने हाथों को अंदर घुसा के बढ़ाता है। द टाइगर अप्रोच द बार्स एंड अलाउड ग्रैंड फादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज नेक, तो टाइगर है वो वहाँ आगे बढ़ता है और वो अलाउ करता है कि ग्रैंड फादर अपने हाथों को उसके गले में ऐसे रख पाए। द ग्रैंड फादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड एंड टिकल्ड हिज ईयर्स एंड वेन एवर ही ग्राउल्ड स्मैक्ड हिम ऑन अक्रॉस द माउथ विच वॉज एन ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट। जब टाइगर उसके पास आ गए तो वो उसके गले को दोबारा सहलाने लग गए, उसको चेहरे पे उसके फोरहेड को दबाने लग गए, उसी तरीके से जिस तरीके से वो करते थे पहले, और जब भी वो बोलने की कोशिश करता, ग्राउंड करने की कोशिश करता टाइगर, जिस तरीके से उसके एकदम से उसके मुंह पे उसको एक हाथ मारते, जो एक पुराना तरीका था उसको चुप कराने का। ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड ओनली स्प्रैंग अवे व्हेन अ लियोपार्ड इन द नेक्स्ट केज स्लॉर्ड एट हिम, और वो ग्रैंडफादर की फिर जो तिमोंथी था वो उनके ग्रैंडफादर की जो हाथ थे उनको चाटने लग गया, और वो तभी दूर हुआ जैसे एक जो लियोपैड था जो उसके केज के अंदर ही था वो उसकी तरफ आया। ग्रैंडफादर शूट द लियोपैड अवे, और एकदम से जो ग्रैंडफादर थे वो जो अंदर लियोपैड था उसको दूर भगा देते हैं। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज लैंड बट एवरी नाउ एंड देन द लियोपैड विल रश एट द बार्स एंड ही विल स्लिंग बैक टू द कॉर्नर, लेकिन जैसे ही लियोपैड पर बार बार आ रहा था, जैसे ही वो आता था जो टाइगर होता था दोबारा से पीछे हट जाता था, कॉर्नर में बैठ जाता था। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड द ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग। अब ये सब देख के कि कैसे है वो जो टाइगर है वो एक आदमी वो एक ग्रैंडफादर को चाट रहा है हाथों को, उसको देख के आसपास काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा होगी जो देख रही थी, और फिर एक जो कीपर था जो वहाँ जानवरों का ख्याल रखता है वो आया और वो ग्रैंडफादर से पूछा कि वो क्या कर रहे थे। आई एम टॉकिंग टू तिमोंथी, सैड ग्रैंडफादर, वरंट यू हेयर व्हेन आई गेव हिम टू डू द ज़ू सिक्स मंथ्स अगो, वो कहता है कि मैं अपनी तिमोंथी से बात कर रहा हूँ, क्या तुम यहाँ नहीं थे जब मैंने तिमोंथी को ज़ू में छः महीने पहले दिया। आई हैवन बीन हेयर वेरी लॉन्ग, वो कहता है फिर कीपर कि मैं यहाँ ज़्यादा दिनों से काम नहीं कर रहा हूँ। सैड द सरप्राइज्ड कीपर, प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन
बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड. वो कहता है कि अपनी कन्वर्सेशन को करते रहो लेकिन मैं इसको कभी टच नहीं कर पाया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, उसका टेम्पर काफ़ी ख़तरनाक है, ये काफ़ी गुस्से में रहता है. वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स? वो कहते हैं कि तुम उसको किसी और केज में क्यों नहीं डाल देते. दैट लियोपैड की फ्राइटनिंग, वो जो लियोपैड है जिसके साथ रहता है उसको बार बार डराता रहता है. आई विल गो एंड सी द सुपर इंटेंडेंट अबाउट इट. वो कहते हैं कि मैं सुपर इंटेंडेंट के पास जाऊँगा. अब सुपर इंटेंडेंट मतलब जो देखते रहते हैं कि किसको क्या देना है क्या नहीं, मतलब एक तरह के ज़ू के मैनेजर. ग्रैंडफादर वाज इन सर्च ऑफ द सुपर इंटेंडेंट ऑफ द ज़ू. अब जो ग्रैंडफादर वो सुपर इंटेंडेंट को ढूंढने लग गए लेकिन उसको बाद में पता चला कि वो घर जल्दी चला गया. एंड सो आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द ज़ू फॉर अ लिटिल टाइम ही रिटर्न टू तिमोथीज़ केज टू से अ गुड बाय. इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क. और उसके बाद जब उनको सुपर इंटेंडेंट नहीं मिला तो उसके बाद वो थोड़ी देर तक इधर उधर ज़ू में घूमते रहते और फिर लास्ट टाइम वो तिमोथी के केज में जाते हैं तिमोथी को बाय बोलने के लिए. He had been stroking and slapping Timothy for 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. और कुछ टाइम तक Timothy को वही रब कर रहे थे, मसल रहे थे उसको जिस तरीके से करते थे करीबन 5-10 मिनट तक, जब तक एक और कीपर उनको ध्यान से देख रहा था. Grandfather recognized him as a keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. और grandfather पता लगा रहे थे कि वो वही कीपर है जो वहाँ पर था जब उन्होंने Timothy को zoo में दिया था. You remember me? said the grandfather. Now why don't you transfer the monkey to another cage and away from this stupid leopard? वो कहता है तुम मुझे जानते हो ना, अब तुम क्यों इस तिमोथी को किसी और केज में नहीं डाल देते इस stupid leopard, इस leopard के अलावा कहीं और. But sir, stammered the keeper, it's not your tiger. वो कहता है कि सर ये आपका टाइगर नहीं है. I know, said grandfather. I realize he is no longer mine, but you might at least take a suggestion और टू फ्रॉम यू. कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ मेरा नहीं है तुम्हारा है, लेकिन तुम मेरे से एक दो चीज़ें सुन तो सकते हो ना, सजेशन तो ले सकते हो. आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, सेड द कीपर, ही डाइड 2 मंथ्स अगो. कहते हैं मैं आपके टाइगर को जानता हूँ, 2 महीने मर गया था. डाइड? एक्सक्लेम्ड द ग्रैंडफादर. यस, ऑफ निमोनिया. द टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस. वो कहते हैं कि हाँ सर वो निमोनिया से मर गया, और जो ये वाला टाइगर है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और इसको हिल्स से पकड़ा गया है पिछले महीने ही और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है. ग्रैंडफादर कुल थिंक नथिंग टू से. अब जो ग्रैंडफादर वो कुछ भी बोलने के लायक नहीं बचे थे. द टाइगर वो स्टिल लिकिंग हिज आर्म. जब टाइगर था वो उनके हाथ को अभी भी चाट रहा था. विद एन इंक्रीजिंग रेलिश मतलब जैसे कि उस टाइगर को याद आ रहा हो कि ये पर्सन कौन है. ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एन एज टू विदड्रॉ हिज हैंड अवे फ्रॉम द केज. अब जो ग्रैंडफादर है उनको इतना समय लगा जैसे कि पता नहीं कितनी सदियां बीत गई होंगी अपने हाथ को उस जेल केज से बाहर निकालने के लिए. विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मर्मल्ड गुड नाइट तिमोथी एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक एंड वॉक्ड ब्रिस्कली आउट ऑफ द ज़ू. और फिर वो अपने टाइगर के पास अपने चेहरे को लाते हैं और उसको धीरे से आवाज़ में कहते हैं गुड नाइट तिमोथी. और उसके बाद वो कीपर को एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डिसअपॉइंटेड गुस्से वाला लुक देते हुए, स्कॉर्नफुल मतलब गुस्से वाला लुक देते हुए वो वहाँ से जल्दी जल्दी ज़ू से निकल जाते हैं. और इस स्टोरी को लिखा गया रस्किन बॉन्ड ने. सो स्टूडेंट्स इस स्टोरी का भी ट्विस्ट ये हमें लास्ट में पता चलता है कि रियलिटी में जो तिमोथी था उसकी तो 2 महीने वो उसकी तो लास्ट में 2 महीने पहले ही मौत होगी निमोनिया से. और जो ये वाला टाइगर था ये तो हिल से पकड़ा गया था और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है. तो स्टूडेंट्स इससे हमें पता चलता है कि क्या आपको कैसे लगी स्टोरी ये. वैसे तो आप ये पहले मुझे बताओ कि रियलिटी में ग्रैंडफादर को अभी भी लगा कि वो उनका तिमोथी, जबकि रियलिटी में वो तिमोथी था ही नहीं, वो कोई और टाइगर था और उन्होंने बिना किसी सोचे समझे उसके हाथ जेल के अंदर केज के अंदर घुसा दिया और उससे प्यार करने लग गया और टाइगर भी उनको चाट रहा था, प्यार कर रहा था, जबकि वो टाइगर तो वो था ही नहीं. तो आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या लगता है स्टूडेंट्स वो टाइगर उनको क्यों चाट रहा था, उस टाइगर ने कोशिश क्यों नहीं करी उनको खाने की? और अगर ऐसा कुछ नहीं होता, वो टाइगर उसको नहीं चाटता तो उसको खा ही जाता ना उनके हाथ को सीधा, है ना. और जो वो कीपर था वो उतना डर के क्यों उनको बता रहा, जैसे आपने देखा ना यहाँ वो स्टैमर कर रहा है बट सर इट्स नॉट योर टाइगर, और वो काफ़ी देर से ऑब्जर्व भी कर रहा था. तो स्टार्टिंग में क्यों नहीं बोल दिया कि देखो वो आपका नहीं है, वो एकदम रुका हुआ रहा वो कीपर और थोड़ी देर तक चुप रहा, उनको बस वो देख रहा था.
और उसको डर लग रहा था बताने में। और फिर इतने महीने हो चुके हैं तिमोथी की डेथ को, तो ज़ू ने क्यों नहीं ग्रैंडफादर को बताया कि आपके टाइगर की मौत होगी, क्यों छुपा के क्यों रखा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, क्या इंटरेस्टिंग लगी, आपको कुछ प्रॉब्लम लगी स्टोरी के साथ, आपको कुछ सजेशन देना है, कुछ प्रॉब्लम थी, क्या आपको लगता है कि टाइगर ने तिमोथी, हमें टाइगर्स को ऐसे जानवरों को जो बहुत ख़तरनाक होते हैं उनको क्या पेट के तौर पे रखना चाहिए, और क्या मान लो अगर वो तिमोथी को ज़ू में नहीं देते तो क्या होता, फिर तिमोथी उनके साथ ही रहता, तो क्या ऐसा होता कि वो कभी ना कभी फैमिली के किसी मेंबर को खा जाता, क्योंकि वो जानवर है, उसका जंगलीपना है, उसके इंस्टिंक्ट्स हैं, ठीक है, वो जंगली जानवर है, जंगली जानवर खाते हैं मीट को। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, मैं आपके व्यूज़ जानना चाहती हूँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, कुछ भी प्रॉब्लम है, सजेशन है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। बाय फ्रेंड्स।